अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल इरशाद टीवी। दोस्तों, यूट्यूब कोर्स के हवाले से एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हुआ हूं। पिछली वीडियो में हमने कुछ कीवर्ड्स के बारे में बात की थी और ये बात की थी कि आप अपना टॉपिक किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक आते हैं उसके अंदर, मेजर टॉपिक के अंदर अंदर छोटे टॉपिक कौन से होते हैं, वो सारी बातें की थी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आप कीवर्ड किस तरह निकाल सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं वो आपको बताऊंगा। ये मैं आपको एक वीडियो के अंदर भी समझा सकता था, एक घंटे की वीडियो बना देता, डेढ़ घंटे की वीडियो बना देता, लेकिन आपने वो देखना था कि जी ओ हो, ये तो एक घंटे की वीडियो बन गई है, ये नहीं देखी जाती है। लोग यही है कि मूवी फिल्म वगैरह देखते हैं इतनी लंबी, लेकिन नॉर्मल वीडियो इतनी लंबी नहीं देख सकते हैं। इसलिए मैं ये आपको कुछ कुछ पार्ट्स के अंदर बता रहा हूँ कि ये काम छोटा तो नहीं है, काफ़ी लंबा काम है। तो इस वजह से आपको कुछ कुछ पार्ट्स के अंदर बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इसमें एक वेबसाइट आती है जिसमें आप अपना कीवर्ड जो है वो सर्च कर सकते हैं। ये है कीवर्ड टूल के नाम से, ये ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप सबसे पहले गूगल के अंदर, मतलब गूगल सर्च के अंदर जो कीवर्ड आता है उसके हवाले से, अब हम इस चैनल के अंदर एक टॉपिक कर लेते हैं चूज़। मैं फ़ुटबॉल पसंद करता हूं, तो मैं चलो फ़ुटबॉल के हवाले से आपको कुछ बता देता हूं। ये हो गया फुटबॉल, ये हमने कीवर्ड सर्च किया और इसमें ये अब कीवर्ड्स आ जाएंगे। ये 709 यूनिक कीवर्ड्स आ गए। यूनिक का मतलब कि मुख्तलिफ, जो एक दूसरे से ना मिलते हों। ये देखें, ये फ़ुटबॉल गेम्स, फ़ुटबॉल शूज़, फ़ुटबॉल ट्रिक्स, ये हमें इसमें ये फ़ायदा होगा कि हम फ़ुटबॉल के हवाले से अगर हमारे जहन में कुछ नहीं आ रहा है तो हम उसके देख लें कि इसके कितने पार्ट्स हैं। ये गूगल के अंदर है, आप इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर कॉपी लिखा है, कॉपी भी कर सकते हैं, तो आप कॉपी कर लें और चेक कर लें। उसके बाद हम चेक करेंगे यूट्यूब के अंदर, ये आगे आपने लिखा है बिंग है, अमेज़ोन है, ईबे, ऐप स्टोर, सब के उन्होंने दिए हुए हैं कि आप इसमें भी 703 यूनिक कीवर्ड्स हैं। ये वो कीवर्ड होते हैं जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपकी वीडियो जल्दी सामने आ सकती है। आप अपने तरफ से कोई कीवर्ड लगा लेंगे, कुछ भी फुटबॉल लगा लेंगे, तो वो शायद ना आपकी आगे आ सके वीडियो। तो ये वीडियो को रैंक करने के लिए मैच स्किल्स, मतलब कि ये जो लफ्ज़ लिखे हैं, जो कीवर्ड हैं, ये यूट्यूब के अंदर इस्तेमाल होते हैं, लोग इनको सर्च करते हैं, ठीक है जी। ये भी आप कॉपी कर सकते हैं, आप कॉपी कर लें वर्ड्स के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप उसको लिख लें तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। इसलिए अगर हम इधर, मतलब कि यूट्यूब के अंदर अगर कुछ सर्च करेंगे ना, मिसाल के तौर पर फ़ुटबॉल करते हैं ना सर्च, अगर ये देखें फ़ुटबॉल किया तो यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं आएगा। यहाँ पर ये देखें बस फ़ुटबॉल स्किल ट्रेनिंग, ये कुछ आएँगे मतलब, लेकिन यहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको हर सारे कीवर्ड मिलेंगे, तमाम कीवर्ड जितने भी हैं वो सब मिल सकते हैं। तो इसमें आपका बहुत फ़ायदा है, ये आप कॉपी कर लें ऐसे, कॉपी करके, तो ये कह रहे हैं अगेन करें, प्लीज़ सेलेक्ट अगेन एंड ट्राई अगेन। अभी शायद कोई नेटवर्क का मसला है जिसकी वजह से ये कॉपी नहीं हो रहे हैं। तो आप अगर कहें कि जी मैं आपको जी पहले से करके लेके आता हूँ कुछ इस तरह, या मैं आपको पहले से सारा सेटअप किया होता है कि आपको समझ नहीं आती है, तो इस तरह कोई बात नहीं, मैं आपके सामने हर चीज़ ओपन करता हूँ, सारे प्रैक्टिकल सब आपके सामने दिखाता हूँ। ये यहाँ पे भी लिखा है, एक मिनट, कॉपी ऑल, हाँ ये देखें जी ये कॉपी हो गए हैं। ये एक्सपोर्ट भी लिखा है, एक्सेल के अंदर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट किया, अब एक्सेल ओपन होता है शायद, ये नहीं, इधर एक्सेल के अंदर ये हो गया, शो ऑल करते हैं, इसको डाउनलोड हो गया शायद। आपको मैं थोड़ा तफसील से, मेरा दिल है कि आपको तफसील से समझा दूं कि आपको समझ आ जाए। जब तक बुनियाद अच्छी नहीं होगी आपकी, आपके चैनल की बुनियाद अच्छी नहीं होगी तो काम करने का फ़ायदा ही नहीं है। जब तक कोई मकान की बुनियाद अच्छी नहीं होती है तो वो मकान मज़बूत नहीं होता है। इस वजह से आपकी कैटेगरी अच्छी है, आपके वीडियो का रिज़ल्ट अच्छा है, आपके कीवर्ड अच्छे हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इस काम में इंशाल्लाह। ये देखें, ये मैंने डाउनलोड कर लिया है,
कीवर्ड, ये एक्सेल की फाइल है, ये अब इसको ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ मज़ीद। ये ओपन हो गई, ये मतलब आप सेव कर लें, बार बार खोलने के बजाय आप इधर से सेव कर लें, आपको फ़ायदा हो जाएगा। ये देखें ये आ गया, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे कि आपको मज़ीद आसानी हो जाए देखने में। ये देखें, ये ले ये सारे आ गए हैं। अब जोन सा आपने टॉपिक जिस हवाले से करना है, इसमें अब और भी आते हैं, मतलब ये जो है ये मेटा वगैरह लिखा है, इसको हम चाहे डिलीट कर देते हैं। हमने इसमें सिर्फ फुटबॉल के हवाले से करना है, फुटबॉल के हवाले से करना है, ये डिलीट कर दिया। ये था एक, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये नीचे भी काफ़ी इस तरह के आ रहे हैं, इनको भी निकाल देते हैं। ये इतना मुझे ख़ास ये एक्सेल चलाना आता तो नहीं है, लेकिन चलो आप लोगों को बता दूं, चलो आपका भी फ़ायदा हो जाए। ये सारा हाँ जी, ये सेलेक्ट हो गया और ये कट गया। तो ये देखें ये कट गया है, तो आगे आ गया जी। ये देखें इसके अंदर और भी आते हैं, मतलब के जो हमारे काम के नहीं हैं, जिनको हम नहीं अपने उसमें लाना चाहते हैं। ये देखें ये फुटबॉल के अलावा हैं कुछ, इसको भी डिलीट कर दें यहाँ से। ओके, ये भी डिलीट हो गया, और भी नीचे भी हैं। ये आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ। ये देखें ये भी डिलीट हो गया, और ये काफ़ी इस तरह आप इनको सबको डिलीट कर लें। अभी मैंने कुछ इनको फ़िल्टर कर दिया है, देखें फुटबॉल ट्रिक्स मैच ट्रेनिंग फ्लाइट वीडियो फुटबॉल लाइव गेम्स कार्टून, ये सब टॉपिक अच्छे हैं। जिस तरह जो उन सा टॉपिक आप पसंद करते हैं, इसमें फुटबॉल हो गई, ब्रेकफास्ट हो गई, फूड हो गया, कुछ भी हेल्थ के हवाले से हो गया। आपको दिखाता हूँ कि हेल्थ के हवाले से भी काफ़ी अच्छा काम है यूट्यूब पर, हेल्थ के हवाले से। देखें अब इस पर हम लिखते हैं हेल्थ, हेल्थ टिप्स हैं, हेल्थी ब्रेकफास्ट है, हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ फूड। सच आप ये फूड जो हेल्थी फूड होते हैं उसके बारे में भी बता सकते हैं, कौन से फूड खाने चाहिए कौन से खाने नहीं खाने चाहिए। अब देखें हेल्थ के हवाले से भी मतलब इस तरह बेशुमार टॉपिक्स हैं। देखें ये उन्होंने कोई बताया हुआ है, कान में तिलियां मारते हैं, किस तरह हमें कान साफ़ करने चाहिए। तो अभी 3 महीने हुए हैं तो इसके व्यूज़ देखें 6.2 मिलियन। तो ये हो गया। उसके अलावा मैं आज आपको बताता हूँ कि आपने YouTube को बनाने से पहले क्या करना है। ये आपको मैंने पिछले 2-3 वीडियो में तफसील बता दिया है कीवर्ड्स के मुतालिक। आज आपको मैं कुछ YouTube के हवाले से शुरुआत करते हैं आज के दिन से इंशाल्लाह, कि आपने YouTube चैनल किस तरह बनाना है। हम इधर खोल लेते हैं सबसे पहले Google को, इधर ही खोल लेते हैं Google। ये Google आ गया, गूगल सर्च ओपन कर लेंगे। हमें सबसे पहले गूगल अकाउंट बनाना होगा, ठीक है जी। यहाँ पर ये दबाएंगे, यहाँ पर जिनका अकाउंट नहीं बना होता है ना, उनका यहाँ पे साइन इन लिखा होता है, लेकिन मेरा अकाउंट बना हुआ है। मैं आपको एक नए अकाउंट से बताऊंगा, तो मैं ऐड अकाउंट करूँगा। ऐड अकाउंट करेंगे तो आगे मज़ीद नेट थोड़ा सा स्लो है तो वो अभी तक बता रहा नहीं है। ऐड अकाउंट करने के बाद यूज़ अनदर अकाउंट, आप अगर साइन इन दबाएंगे ना तो आपका डायरेक्ट ये आ जाएगा। ये मुझे फिर थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा क्रिएट अकाउंट करने के लिए, मोर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। अच्छा एक और बात है कि जिस हवाले से आपने अपना बनाना है ना यूट्यूब का चैनल, जो सा टॉपिक आपने यूज़ करना है, उसी हवाले से आपने इधर नाम भी लिखना है। ये नहीं कि आपने अपना नाम लिख देना है, उसी हवाले से लिखें जिस हवाले से आपने टॉपिक बनाना है। अब हम मतलब के फुटबॉल के हवाले से बना रहे हैं, तो हम इधर फुटबॉल
फनी लिख देते हैं, फुटबॉल मूवमेंट्स कर लेते हैं हम। फुटबॉल इधर आ गया जी, मूवमेंट्स ठीक है जी। आगे हम उसी वाले से एक ईमेल भी बनाएंगे, लिख लेते हैं फुटबॉल मूवमेंट्स ठीक है जी। ये हो गया, आगे पासवर्ड डाल लेते हैं, यहाँ पे आएगा पासवर्ड, कुछ भी डाल लें आप। ये थोड़ा लो बता रहा है, कह रहा है टू शॉर्ट है। मैं इसी के वाले से मूवमेंट्स कर लेता हूँ इसके अंदर, ये कुछ और करते हैं। ये ले जी, ये गुड हो गया। जितना अच्छा पासवर्ड लगाएंगे आपकी सेफ्टी ज़्यादा हो जाएगी, आपके लिए फ़ायदा होगा। आगे आ जाएगा मंथ, आप अपनी डाल लें, पर डे डेट मैं अपनी डाल लेता हूँ। फिर आप फीमेल हैं या मेल हैं, यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर डालना है तो आप डाल लें, वरना रहने दें। ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, लोकेशन जो आपकी है, और आगे नेक्स्ट स्टेप। ये आपकी प्राइवेसी एंड टर्म्स आपने पढ़ना है तो आप पढ़ लें इन सब को। ये इन सब में बताते हैं कि इनकी पॉलिसी क्या है सब कुछ। आई एग्री। तो इस तरह वो कह रहे हैं जी आप अपना फ़ोन नंबर डालें अपना अकाउंट वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर डाल लेता हूँ, यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दिया। ये टेक्स्ट मैसेज करना है, वॉइस कॉल हमने टेक्स्ट मैसेज ही करना है। तो इधर हमें मैसेज आ जाएगा, वो कह रहे हैं जी दिस नंबर हैज़ ऑलरेडी बीन यूज टू मैनी टाइम्स वेरीफिकेशन। कहते हैं ये आपका नंबर पहले काफ़ी दफ़ा यूज़ हो चुका है, इसको वॉइस कॉल पे कर लें शायद फिर हो जाए। हाँ वॉइस आ गया है जी, अभी कॉल आएगी। आप उनकी कॉल सुन के, इसलिए SMS पे वो बता रहे नहीं थे, कह रहे थे आपने पहले काफ़ी दफ़ा नंबर यूज़ कर लिया। लो जी हमारा ये एक अकाउंट बन गया, ये फुटबॉल मूवमेंट्स @gmail.com। अगर आपने इसको सेव करना तो आप इसको ऐसे करके सेव कर लें, ये कॉपी कर लें यहाँ से और उधर जाके किधर भी वर्ड में या सेव कर लें। अब हमारी ये कुछ नीचे गूगल की प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ये गूगल है, जी मेल है, मैप है। हमने मेन करना है यूट्यूब पे, तो हम यूट्यूब के हवाले से बताएंगे। तो अब हम खोल लेंगे इसके बाद यूट्यूब। यूट्यूब में जाएंगे, यहाँ से चले जाते हैं, ये हमारा एक बन गया। यहाँ पर हम, यहाँ पर भी साइन इन लिखा होता है अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करें तो। इसको दबाया तो यहाँ पर आएगा जी, सबसे पहले कर लेते हैं साइन आउट, साइन आउट हो जाएगा। इसलिए पहले अकाउंट डला हुआ था, उसमें अकाउंट बना हुआ था, तो मैंने अकाउंट ख़त्म कर रहा हूँ। उसके बाद आपके लिए ये देखें, अभी यहाँ पे साइन इन का साइन आ गया, देखिए ये साइन इन, यहाँ पर हम साइन इन करते हैं और ये साइन इन हो जाएगा इससे जो अभी आपने बनाया है। यहाँ पर पासवर्ड डालें जो डाला था आपने अपने हिसाब से, मैंने जो डाला था वो मैं ये ले, ये नेक्स्ट। और जी ये ले प्रोटेक्ट योर अकाउंट, अगर आपने अपडेट करना है यहाँ पर फ़ोन नंबर डालना अपना मज़ीद, या रिकवरी ईमेल होती हैं, अगर आपके पहले कोई ईमेल बनी हुई है जो आपको याद है तो आप वो भी डाल सकते हैं अपडेट करने के लिए उसको ज़्यादा। ये ले जी अब हमारा ये बन गया। अब यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर आकर हम आएंगे क्रिएटर स्टूडियो में,
ये ले, ये अब आपका ना चैनल ओपन हो गया है। यहाँ से अब हम ने चैनल बनाना है, सबसे पहले तो हम ये क्रिएट आ चैनल पे क्लिक करेंगे। ये क्रिएट अ चैनल पे क्लिक हो गया और यहाँ पर नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको आप कुछ ना करें। फुटबॉल के हवाले से हमने करना था, तो फुटबॉल के हवाले से ये है, ये जी क्रिएट अ चैनल क्रिएट हो गया है। अब मज़ीद इसकी जो सेटिंग्स हैं, इसलिए कि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसकी मज़ीद सेटिंग्स, इसको आगे किस तरह आपने बनाना है, इसमें वीडियो कैसे अपलोड करनी है, उसके टैग्स वगैरह किस तरह डालने हैं आपने, सब कुछ इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। कल एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।